सीधा लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने आवास पर प्रदेश भर से जनसुनवाई के लिए लोगों का आना जाना जारी हो चुका है। अलग अलग जिलों से अपनी समस्याएं लेकर लोग पहुंचे हैं। वहीं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं भी सीएम से मुलाकात करेंगी। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की अगुवाई में सीएम से मुलाकात होगा। वहीं योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए महिलाएं अब सीएम का आभार जताने वाली हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एवन टीवी के संवाददाता दीपेश गर्ग सीधा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दीपेश, इस वक्त वहां पे आप मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन से नेता वहां पे मौजूद है? महिलाओं का आना शुरू हो चुका है वहां पे मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए? जहाँ पे देख सकते हैं कि भारी तादाद में महिला ग्रामीण में पहुंची है और मुख्यमंत्री का यहाँ पे धन्यवाद देने और यहाँ पे सम्मान करने पहुंची है, क्योंकि उनको 450 रुपए में सिलेंडर दिया गया है। महिला पूछी तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे सम्मान करेंगे और किस तरह से यहाँ पे खुशी होंगे। मैम, आप यहाँ इसलिए आप यहाँ पे पधारे हुए हैं, इसलिए आप यहाँ पे आए हुए हैं? तो जिस तरह यहाँ पे इस सिलेंडर को लेके जो स्वागत करने आई है और इनकी समस्या को लेके यहाँ पे आई है, और हम जानते हैं उन महिलाओं से कि वो यहाँ पे आई है। मैम, से मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करने आई हूँ। जो महिलाएं हैं उन्होंने जो कानून व्यवस्था को लेकर जो भी योजनाएं चलाई हैं उन सबके लिए, और जो सिलेंडर का योजना चलाई उन सबके लिए, प्लस मैं अपनी भी कुछ एप्लीकेशन लेके आई हूँ उसके रिलेटेड, मुझे उनसे मिलना है। और बिल्कुल उन पर विश्वास भी है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सुधरेगी। पिछले एक साल से मैं इन चीज़ों को देखते आ रही हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी अनुशासन नहीं है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल अब सही हो जाएगा। नहीं, हम उनका धन्यवाद करने आए हैं जो उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। आप लोग जैसा हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से राजस्थान में रेप केस, महिलाओं पे अत्याचार, घरेलू हिंसा महिलाओं पे इतना हुआ है, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि उनसे रिलेटेड वो जो कानून बनाएंगे वो अप्लाई भी करेंगे उनको, और बहुत महिलाओं को बहुत उम्मीदें हैं उनसे। हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करने आए हैं। जैसे लोगों ने ये 450 का सिलेंडर किया है, तो इससे ये देखने में आता है कि जो बदले के हमारा एक महीने में एक सिलेंडर आता था, अब हर महिला को एक एक महीने में दो सिलेंडर आराम से इजीली मिल सकते हैं, जिससे कि उनका घर बहुत अच्छे से चल सकता है। और जो कानून व्यवस्था है, जो पिछली सरकार में जो महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे थे उसको व्यवस्थित किया जाएगा। और आते ही दिया कुमारी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो एक महिला का गर्व समझ सकते हैं, उन सारी योजनाओं को धरातल पर लाएंगे और सभी महिलाओं को सभी सुविधाएं मिल सकती हैं। जिस तरह से महिलाएं अपनी चिंतित है ₹500 सिलेंडर गहलोत सरकार दे रही थी, लेकिन जब बीजेपी सरकार अब ₹50 की और छूट दे रही है, अगर खास करके हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इसको लेके काफी उत्साहित वहां पे नजर आ रही हैं। दीपेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी,
तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर गहलोत सरकार दे रही थी, लेकिन अब भजन लाल की सरकार 50 रुपए की और छूट दे रही है। इससे अगर महिलाओं की रसोई को काफी फायदा पहुंचा है, इसको लेके महिलाएं कितनी उत्साहित वहां पे नजर आ रही हैं। यहाँ पे 50 रुपए का जिस तरह से बीजेपी सरकार और रिबेट दे रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट 500 रुपए का दे रही थी और बीजेपी गवर्नमेंट 450 रुपए का दे रही है, तो यहाँ पे महिलाएं उत्साहित नजर आ रही है। भारी तादाद में यहाँ पे महिलाएं और हमने महिलाएं चिंतित है, जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं राजस्थान में, राजस्थानी सरकार आपराधिक मामले बढ़े हुए थे, उनको लेकर भी महिलाएं चिंतित है। तो हम कोशिश कर रहे हैं प्रदेश मंत्री, आज हम सब यहाँ लाभार्थी बहनों के साथ 450 रुपए की घोषणा की, सब धन्यवाद ज्ञापित करने आए यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ पे महिलाएं उत्साहित नजर आ रही है। ऐसे कौन कौन से मुख्य परिवार हैं जिनको इस उज्ज्वला योजना का फायदा मिलने वाला है, ऐसे कौन कौन से लाभार्थी हैं, अगर हम बात करें विस्तार से इसके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को आप दीजिएगा। यहाँ पे लाभार्थी भी मौजूद है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें नगर निगम के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अलग अलग वार्डो में जो कैंप लगाए जा रहे हैं कराया, उन लोगों को जो लाभ मिल रहे हैं वो यहाँ पे महिला है, लाभार्थी है, और कुछ महिला अलग जगह से आई हुई है, उन महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है। ये प्रोसेस रखा गया है कि सिलेंडर लेते समय जो बाजार के मूल्य रहेंगे उसको पहले चुकाना पड़ेगा, उसके बाद जो सब्सिडी का अमाउंट होगा वो बाद में अकाउंट में आएगा। इस तरह से ही रखा गया है कि जो आम जन को जो सिलेंडर मिल रहा है वो सिलेंडर मिलेगा, उसके बाद जो सब्सिडी अमाउंट है वो इनके अकाउंट में आएगा। जिस तरह से पहले ये योजनाएं चल रही थी पर उसी में सब्सिडी कुछ कम आती थी, इस बार सब्सिडी जो अलग अलग कैंप नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की योजना है उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद जो 450 रुपए का जो सिलेंडर निर्धारित किया गया है वो ही मिलेगा जी। तो दीपेश, क्या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वहां पे पहुंच चुके हैं इस वक्त? कुछ ही समय में यहाँ पे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा महिलाओं से गर्व होंगे और स्वागत उनका है, परंतु उत्साह बहुत देखा जा रहा है। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचने वाले हैं। कौन कौन से नेता दीपेश उनके साथ मौजूद रहेंगे? अगर हम राजस्थान सरकार की इस वक्त बात करें तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ साथ और कौन कौन से बीजेपी के नेता वहाँ पे आने वाले हैं? जो नेता है वो पहुंच चुके हैं, जैसे हम बात करें महिला मोर्चा की ग्रामीण क्षेत्र से है वो आई है अपनी महिलाओं को लेके, लाभार्थी ऐसे कोई बड़े चेहरे जो है कि हम अभी कोई दिखाई नहीं दे रहे, हो सकता है आगे आ सकते हैं जब भजन लाल सीएम के साथ आ सकते हैं, पर अभी तक कोई ऐसे नहीं है। पर महिला मोर्चा Thank you.
साहब आया और वो काट दिया।
Thank you.
Hey!
रखी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंडर को लेकर के एक तरफ नरेंद्र मोदी की फोटो और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की फोटो यहाँ पे नजर आ रही है और यहाँ पे Yeah.
अटल 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 भैया बहनों को ले लीजिए यो Please, 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 please.
सब लोग हेल्पी लेंगे तो यहाँ पर रात हो जाएगी भैया। अरे प्रभाकर पीछे पीछे Thank you.